हवा के साथ हम भी बहते अब यहाँ। हसल 03 का 8वां हफ्ता हुआ खत्म एंड व्हाट एन इवेंटफुल वीक दिस वाज। कोलैबोरेशन वीक था तो 5 पेयर्स ने कम्पीट किया एंड मृणाल जो कि ऑलरेडी टिकट टू फिनाले जीत चुकी है उन्होंने एक स्पेशल परफॉर्मेंस दी ईपीआर के साथ कोलैबोरेट करके। उसके बाद हुई एक बैटल जिसमें मुझे डिस किया गया। कौन थे मुझे डिस करने वाले? पूरे सीजन में हिप हॉप बीट पर अर्जन विली टाइप का गाना गाने वाले बॉबी रंधावा। कहते हो बधाइयां जी यार सड़ा टट्टी करके आया। हेलो मेरा नाम है रोहन करियप्पा एंड पहले जजेस की बात कर लेते हैं। इस बार भी मुझे जजमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़े नजर आई। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस ऑफ द वीक मेरे हिसाब से डिजर्विंग पेयर को नहीं दिया गया। उसके अलावा भी छोटी मोटी गलती थी जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक के मेरे फेवरेट जज कौन रहे आप यकीन ही नहीं मानोगे। नन अदर देन इक्का एंड इज क्लोजली फॉलोड बाई डीएमसी एंड इट्स मेनली बिकॉज जो उन्होंने स्कोरिंग दी रैप आईडी और बुर्रा के परफॉर्मेंस के लिए। इसके बारे में और विस्तार में बात करेंगे। अभी फिलहाल लेट्स स्ट्रैप इन एंड मूव टू इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस। पहले परफॉर्म करने आए केडन एंड विजय दादा जिन्होंने परफॉर्म किया दिस ट्रैक कॉल्ड सेलिब्रिटीज एंड दे सेट द स्टेज ऑन फायर। नाउ देयर कुड बी मिसकंसेप्शन कि मैं एक गेटकीपर हूं और मैं एक प्योरिस्ट हूं और मुझे कमर्शियल हिप हॉप ट्रैक्स पसंद ही नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट इफ डन राइट एंड इफ गिवन अ प्रॉपर थॉट कमर्शियल हिप हॉप बैंगर्स डिजर्व एज मच रिस्पेक्ट एज एनी अदर सब जॉनर ऑफ हिप हॉप। एंड जिस तरीके के कमर्शियल हिप हॉप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वैसा ट्रैक हमें इस बार केडन और विजय दादा द्वारा मिला। इस गाने का हुक इजीली इस हफ्ते का बेस्ट हुक था। उसके अलावा विजय दादा एंड केडन की स्टेज प्रेजेंस कमाल की रही है थ्रू आउट द सीजन एंड जब इस परफॉर्मेंस में वो दोनों साथ में आए तो उन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे कर दिया। उन्होंने ब्रेकिंग करी एंड केडन ने एक वेबस्टर फ्लिप ही मार दिया ऑन स्टेज। ऑल ऑफ दी स्मॉल एलिमेंट्स वर नॉट द मेन एक्ट, मेन एक्ट उनका गाना ही था लेकिन जो गाने ने वाइब क्रिएट करी थी उसको एक अलग लेवल पे ये सारे छोटे मोटे गिमिक्स ले गए। ऑल्सो जो दोनों रैपर्स ने अपने वर्नैक्युलर एलिमेंट्स डाले थे इस गाने में वो भी काफी किक-ऐस साउंड कर रहे थे। इस परफॉर्मेंस को मिले 12 out of 12। नाउ एंड इफ यू आर वंडरिंग यार नॉट ऑफ 9 से 12 out of 12 कैसे हो गए तो इस एपिसोड में चारों स्क्वाड बॉसेस स्कोर कर रहे हैं एंड दिस सॉन्ग डिजर्व 12 out of 12। ऑल्सो ह्यूज शाउट आउट टू केडन बिकॉज विजय दादा का फेज इस शो में काफी अच्छा चल रहा है लास्ट 2-3 हफ्ते से बट लास्ट वीक केडन हिट द एब्सोल्यूट रॉक बॉटम ऑफ दिस जर्नी एंड टू गेट अप एंड परफॉर्म लाइक दिस द नेक्स्ट वीक रिक्वायर्स करेज एंड डिजर्व्स अप्रिसिएशन सो Kudos. Next up on stage was the pair जिन्होंने perform किया this track Ground Shunya. इस pair में थे दो artists Uday and Basic. And I have to commend Uday for one thing. कि his thought process on the concept of his tracks throughout the season has been top notch. इशारे में कैसे उन्होंने sign language का use किया या फिर मैं और मेरी rhyme scheme was a love track by Uday. To his rhyme schemes. Even the last track, जिसमें उनको इतने अच्छे marks नहीं मिले, but conceptually the track was very strong कि उनकी conversation हो रही है उनके चाकू से, उनके knife के साथ, which is a good thought. And इस track का concept भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. इस track के concept के हिसाब से उदय and basic एक दूसरे से battle कर रहे हैं, and battle के बीच में उनके शरीर टकराते हैं, and Freaky Fridays type की situation आ जाती है. Now Freaky Fridays is a popular movie, and it's also a popular song by Lil Dicky. Freaky Fridays का मतलब ये होता है जब दो characters कि आत्मा एक्सचेंज हो जाती है, इस बंदे की आत्मा इस शरीर में चली गई। इस गाने में भी वही हुआ। आप देखोगे ट्रैक के बीच में दोनों टकराए एंड उसके बाद बेसिक या या करने लग गए जो कि उदय का सिग्नेचर एडलिब है एंड उदय बेसिक ऐसे करने लग गए जो कि बेसिक का सिग्नेचर एडलिब है। ऑब्वियसली ट्रैक वॉज लिरिकली गुड बट उदय येट अगेन फंबल्ड एंड एक और बार कोई भी जज को कानों कान खबर ही नहीं हुई। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस में साइंस बुक और बायोपिक वाली लाइन सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो लिरिक्स थे वो क्लियरली डिलीवर नहीं हो पाए। खैर कमिंग बैक, अगर बार्स की बात की जाए तो उदय का बॉटम से अपसाइड डाउन वाला जो स्कीम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली बेसिक का इंटरस्टेलर, नोलन, स्पेस और ओपनहाइमर वाला जो बार था वो बहुत सही लगा मुझे। इवन हॉब्सन एंड लोबोटोमी वाला जो बार था वो भी काफी वेल रिटन था। ऑल्सो आई हैव अ सस्पिशन कि इस गाने में शायद आई एम नॉट श्योर उदय ने ईपीआर को भी डिस किया है। नाउ ऑब्वियसली इट्स जस्ट अ सस्पिशन लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस बार के बारे में बात कर रहा हूं। बीच में एक बार आता है जिसमें उदय किक्स और स्नेयर्स की बात कर रहे होते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बार वो बोलते हैं भूल से मिला 7A। नाउ लास्ट वीक जब ईपीआर ने उनको एक बजर दिया था तो बाकियों के 3-3 मिला के उनका टोटल स्कोर 7 हो गया था। बट ऑल्सो 7A इज अ टाइप ऑफ ड्रमस्टिक। ड्रम्स, किक्स और स्नेयर्स की बात कर रहे थे, ड्रमस्टिक एंड 7A कुड हैव दैट मीनिंग। ऑल्सो उदय हैज हैड दिस हिस्ट्री ऑन दिस शो इटसेल्फ कि उन्होंने जैब्स लिए हैं जब भी उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी है। This sort of makes me feel कि ये हो सकता है this though. खैर coming back to the track, Freaky Fridays के बाद जब Basic ने उदय का part perform करना शुरू किया तो वो गाना हाई गए। He absolutely smashed it. उनके triplets एकदम neat थे, flows, bars
Everything was a class apart. I think इस performance के बाद Basic is definitely in my top 2 or top 3. He has really excelled on this show. इसके बाद हुई दो special performances जिनका competition से कुछ लेना देना नहीं था. पहला special performance देने आए Gravity and Gravity ने special guest Samantha Prabhu के सामने Samantha Prabhu का favorite track perform किया which was Jalaluddin. Now, Jalaluddin और Samantha की history आप जानते होंगे कि जब उनको एक autoimmune disease detect हुई थी तब उन्होंने Jalaluddin सुन के उस टफ टाइम को बैटल किया था. ऐसा वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी कह चुकी है. एक गाना जो एक साल पुराना है Samantha उसको हजार बार सुन चुकी है, उसको वापस Samantha ने जब लाइव सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ गए. दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ म्यूजिक, पावर ऑफ लाइव म्यूजिक एंड ऑल्सो पावर ऑफ हिप हॉप इन जनरल एंड ऑल्सो पावर ऑफ ग्रेविटी. ये नहीं भूलना चाहिए, पावर ऑफ ग्रेविटी तो है. उसके बाद सेकंड स्पेशल परफॉर्मेंस देने आए मृणाल और EPR जिन्होंने एक रॉक रैप ट्रैक परफॉर्म किया जिसका हुक EPR ने लिखा था इन तमिल लैंग्वेज. इन दिस ट्रैक EPR शोज की वो जज क्यों है. इस ट्रैक में आप जानोगे कि EPR सिर्फ टेक्निकलिटीज पे नहीं म्यूजिकलिटी पे उनकी काफी ज्यादा सॉलिड है. EPR कह रहे थे कि उन्होंने पहली बार तमिल में राइट किया है एंड जो हुक की कॉम्पोजिशन थी वो तो लाजवाब थी. वर्सेज में पोएट्री एकदम टॉप नॉच, बेस्ट इन क्लास. The whole vibe of the track, the whole arrangement of music, the whole structuring and graph of the track was amazing. EPR. उसके बाद हम कंपटीशन में वापस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट ट्रैक परफॉर्म करने आए रैप आईडी और बुर्रा एंड उन्होंने परफॉर्म किया ये गाना फिकर नहीं. अकॉर्डिंग टू मी इस गाने की राइटिंग बहुत ही लेजी तरीके से करी गई थी. बुर्रा का हुक एंड बुर्रा का सेकंड वर्स वाज अबाउट कि कैसे उनको किसी भी चीज की फिकर नहीं है एंड ही इज टॉकिंग अबाउट वाइड रेंज ऑफ थिंग्स जिनकी उनको फिकर नहीं है. वेयर एज रैप आईडी के दोनों वर्सेस जहां बहुत अच्छे साउंड कर रहे थे बट उनका कोई इस थीम से लेना देना ही नहीं था. हिज वर्सेस वर रैंडमली टॉकिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम्स इन दोज रिलेशनशिप्स. नाउ गलती इंडिविजुअली दोनों में से किसी आर्टिस्ट की नहीं है. ऐसा लग रहा था कि दोनों आर्टिस्ट ने सेपरेटली ये गाने लिखे हैं एंड देन जस्ट बिकॉज इट्स कोलैबोरेशन राउंड उन दोनों ने दोनों गाने को मिला के एक गाना बनाने की कोशिश की है. डिस्कनेक्ट नजर आ रहा था वर्सेस और हुक में. EPR डीरो ने इसको 3-3 बजर दिए एंड इक्का एंड DMC ने इसको 2-2 बजर दिए विच आई ट्रूली अग्री टू. एक्चुअली सैडली इस परफॉर्मेंस को बादशाह ने रेडियो हिट दे दिया जिसकी वजह से बुर्रा की किस्मत एक और बार इस कॉन्टेस्ट में चमक गई. क्यों? क्योंकि अगर रेडियो हिट का छोटा सा बजर नहीं दबाया होता तो डेफिनेटली बुर्रा एंड रैप आईडी बॉटम में आने वाले थे. कैसे आगे चल के आपको पता चली जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस देने आए बॉबी रंधावा एंड 100 RBH एंड इनके गाने की थीम ही अगर आप सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. सिख एंड मराठा वॉरियर्स ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी हैं दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट इंक्लूडिंग मुगल्स ऑफ कोर्स. इस गाने में थीम वॉज की बॉबी रंधावा सिख वॉरियर्स के बारे में बात करेंगे एंड उनकी स्टोरी सुनाएंगे एंड देन 100 RBH आएंगे एंड मराठा वॉरियर्स के बारे में बात करेंगे एंड उनकी स्टोरी सुनाएंगे. इस ट्रैक को अगर आप यूट्यूब पर सुनो आपको ये ट्रैक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा बट सैडली अगर आपने इसको टीवी पे या जियो सिनेमा पे देखा है आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ही ज्यादा फंबल हुए हैं. पहले RBH ने 2-4 वर्ड फंबल किए एंड फिर बॉबी रंधावा आए और उन्होंने 4-5 बार एकदम हग ही दिया. मतलब वो जिब्रिश बोल रहे हैं, एक ही बार को मल्टीपल टाइम्स कहीं और जगह पे बोल रहे हैं, बहुत खराब. उसके अलावा टुवर्ड्स दी एंड एक पॉज के बाद RBH को लाइन बोलनी थी लेकिन बॉबी रंधावा भूल गए एंड उनकी लाइन को ओवरलैप करते हुए हुक गाने लग गए. Overall, it was a very difficult performance to watch. Difficult because गाना अच्छा था लेकिन execution बहुत ही खराब रहा. खैर इस गाने की scoring हुई और इसको मिले 5 out of 12 जिसमें से 3 judges ने इसको 1-1-1 दिया and Dino ने इसको 2 buzzers दिए. और obviously उनको radio hit मिला नहीं and इसकी वजह से ये दोनों आ गए bottom में. उसके बाद आया the final pair of the week and मेरे हिसाब से very easily the performance of the week. Gosh and Shen B का pair and उन्होंने perform किया जनाजे. They performed a rage track on a drill beat and इन दोनों का मैच तो made in heaven ही होता है. This was a complete track and a complete performance. यहाँ पे आपको अच्छा hook मिलेगा, अच्छा flow मिलेगा, बढ़िया lyricism थी, stage presence कमाल का था, उनकी chemistry जो जुगलबंदी चल रही थी वो भी कमाल की थी and everything else in the book was right on point. जो जुगलबंदी चल रही थी जिसमें एक रैपर दूसरे रैपर का फ्लो कैरी फॉरवर्ड करके उसको परफॉर्म कर रहा था वो तो बहुत ही मजा आ रहा था सुनने में. यहाँ पे गौश की तारीफ करनी पड़ेगी. ये गौश जिसको अगर आप इनिशियल 2-3 एपिसोड में देखोगे तो साइड में रोबोट बनके ऐसे ही करता रहता था, उसने एकदम ही अपना फ्लिप कर दिया स्टाइल एंड उसमें वो एरोगेंस वो कॉन्फिडेंस नजर आता है जो एक रैपर में होना बहुत जरूरी है स्पेशली व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड व्हेन ही इज फेसिंग द कैमरा. अगर आपको क्लियर ग्रोथ देखनी है तो आप गौश का स्पिटेड बैक में उनका परफॉर्मेंस चेक करो एंड उनके लास्ट 2 वीक जनाजे और डम इट डाउन में उनका स्टेज प्रेजेंस चेक करो. आपको पता चल जाएगा कि काम तो गौश ने किया है अपने ऊपर. अगर ग्रोथ की बात चल ही रही है तो शेन बी ने भी कमाल का रेजिलियंस दिखाया थ्रू आउट द शो. इस शो में जब भी स्टेक्स हाई हुए हैं
हैं, उन्होंने हमेशा लेवल अप किया है एंड एट दिस स्टेज इन द कॉम्पिटिशन वो अभी भी ऊपर का ग्राफ ही पकड़े हुए हैं। हैविंग सेड दैट, गॉश डिड मेक एन एरर इन दिस ट्रैक। जब पहले हुक का प्री कोरस आता है, गले कटे वाला, तो वो थोड़ा सा ऑफ गए उस प्री कोरस में, बट उसके अलावा बोथ वर राइट ऑन द मनी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सेकंड वीक, टू वीक्स इन अ रो जब गॉश को परफॉर्मेंस ऑफ द वीक से रॉब किया गया है। एंड ये मैं खुद नहीं कह रहा, जजेस भी काफी ज्यादा हाइप करते हैं, बहुत तारीफें होती है, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस ऑफ द वीक देने की बारी आती है तो सडनली कोई दूसरा ही नाम आ जाता है। इसी के साथ सारे परफॉर्मेंसेस हुए खत्म। मैंने उसके बाद कुछ ब्रांड के परफॉर्मेंस थे जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज कंटेस्टेंट्स को ही वो परफॉर्मेंसेज याद नहीं थे, बेचारे लिपसिंग भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे वो। खैर, कॉम्पिटिशन में आते हैं। 5 pairs में से 4 को रेडियो हिट मिला और 1 pair जिसको नहीं मिला वो बॉटम में आ गया। जनरली 4 लोग बॉटम में आते हैं, उसके बाद एक वोटिंग से बचता है, एक स्क्वाड ऑफ द वीक बचाते हैं, बट इस बार इन दोनों की कोई जरूरत पड़ी नहीं। इस बार बॉटम में बैटल करने आए कॉन्शियस रैपर 100 RPH एंड नॉट अ रैपर बॉबी रंधावा। बॉबी रंधावा जो अपनी कोलैबोरेशन परफॉर्मेंस में गोलमाल अगेन के जॉनी लीवर बन गए थे, वो आए पहले परफॉर्म करने, एंड उनकी हुक की कॉम्पोजिशन कमाल की थी, बिकॉज वो 50 सेंट ने लिखी थी ना कॉम्पोजिशन। यस, 50 सेंट का पॉपुलर ट्रैक डोंट बैक डाउन की हुक की कॉम्पोजिशन उन्होंने ढापी। क्यों ढापी मुझे नहीं पता, चलो ठीक है, उनको अगर अडेप्टेशन ही बनानी थी तो क्यों शाउट आउट नहीं दिया 50 सेंट को, वो भी मुझे नहीं पता। खैर, इस बार अगेन वो फुल एटीट्यूड फुल कॉन्फिडेंस से आए, लेकिन येट अगेन ही डिड नॉट हैव द लिरिक्स टू बैक दैट एटीट्यूड अप। परफॉर्मेंस के एंड में उन्होंने बोला कि क्या आप यूट्यूबर्स हमें हिप हॉप सिखाएंगे, ये बोल के वो बहुत खुश हुए, बट ये बोलने के एग्जैक्टली 5 मिनट बाद उनको शो से बाहर निकाल दिया गया। ये सोच के तो लगता है कि यार यूट्यूबर से सीख ही लेना चाहिए था। खैर, जोक्स अपार्ट, जेनरिक ट्रैक था, लिरिक्स कुछ स्पेशल नहीं थे, एनर्जी ऑब्वियसली हाई थी ट्रैक की, एंड जो फोक रैप वो परफॉर्म करते आए हैं इस बार भी उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, गायकी करी है हिप हॉप बीट पर। इसकी वजह से ही पेव्ड एन इजी पाथ फॉर RBH हु वाज अप नेक्स्ट। इसके बाद RBH ने परफॉर्मेंस स्टार्ट करी, एंड जो छोटी आंखों से मैंने परफॉर्मेंस देखना शुरू किया था वो धीरे धीरे बड़ी होती गई थैंक्स टू हिज अमेजिंग लिरिसिज्म थ्रू आउट द ट्रैक। दिस वॉज द क्लासिक RBH वी वर मिसिंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। दिस सॉन्ग येट अगेन इज एन अटेम्प्ट बाय RBH टू मेक अस क्वेश्चन द सोसाइटल नॉर्म्स एंड अ फ्यू थिंग्स दैट हैपेंस इन सोसाइटी। इस गाने में बीट सिलेक्शन से लेकर लिरिसिज्म टॉप नॉच लगी, कोट्स ही कोट्स भर दिए इसमें RBH ने। आपको इस टाइप की गानों की परफॉर्मेंस एंड इस टाइप के गानों की लिरिसिज्म देख के ही पता चल जाएगा कि RBH ऐसे टॉपिक्स में कितना ज्यादा बिलीफ रखते हैं। खैर, इस गाने का नाम था आसमा, उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया, आफ्टर विच बादशाह हैड टू डिसाइड कि इन दोनों में से बैटल का विजेता कौन था। इस सीजन में बादशाह भाई ने तीसरी या चौथी बार फिर से बोला दैट दिस वॉज हिज टफेस्ट डिसीजन। खैर, एज एक्सपेक्टेड RBH इमर्ज एज अ क्लियर विनर एंड बॉबी रंधावा का सफर यहीं पे खत्म होता है। उसके अलावा टुवर्ड्स द एंड एक और टिकट टू फिनाले दिया गया जो कि मिला विजय दादा को, बिकॉज उनके पास 2 crown थे, बिकॉज इस हफ्ते भी उनको परफॉर्मेंस ऑफ द वीक मिला एंड देन लास्ट वीक भी उनको परफॉर्मेंस ऑफ द वीक मिला था, 2 crown एंड ही एंटर्स टू द फाइनल। नाउ अब इक्वेशन ऐसी है कि हमारे पास टोटल 10 contestant है एंड उसमें से 2 finale पहुंच चुके हैं। नाउ अगर 2.0 जैसा ही सीजन रहा जिसमें 5 लोग फाइनल्स पहुंचते हैं तो बचे 8 लोगों में से सिर्फ 3 ही फाइनल्स में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा स्पेशल जज जो आई थी समांथा बाबू बनके, जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे कि यार ये क्यों आ गई, मैं भी बोलने वाला था, टुवर्ड्स द एंड उनका आना जस्टिफाई किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे वो प्रोडक्शन में उतरने वाली है एंड हर फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर इज हसल फॉर तमिल ऑडियंस एंड तमिल लैंग्वेज, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई थिंक हर रीजन में हिप हॉप ग्रो होता है तो ओवरऑल देसी हिप हॉप ग्रो होता है। खैर, दैट वॉज इट फॉर द एपिसोड। अगले हफ्ते सेमीफिनाले वीक होने वाला है एंड आई थिंक स्टेक्स विल बी वेरी हाई। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऐसे हाई स्टेक्स में कौन अच्छा परफॉर्मेंस करता है एंड कौन अपना ए गेम लेकर आता है। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर देसी हिप हॉप रिलेटेड कॉन्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा या बुरा लगा तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूल। And also you can follow me on Instagram. My handle is @RoHNCRIAPPA. And next time it's me, Rohan Karepa. Signing off.